हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। और ये देखिए, मोटे मोटे कपड़े मैंने अभी धो कर पसारे हैं जस्ट, और यहाँ पर पानी अभी चू ही रहा है। तो स्वेटर वगैरह सभी मैंने धो कर पसार दिए हैं ताकि मेरे सूख जाएं, और गोदरेज में पैक करके रख दूँ उसे अच्छे से। और हस्बैंड जी दूध लेकर आ गए हैं, चाय आज बनाने जा रहे हैं, गर्मा गर्म आज चाय बनाएंगे सुबह सुबह। और अभी बच्चे स्कूल गए हैं और एक बच्चा तो घर ही पर रहता है अभी फ़िलहाल। और आपको घर का लुक थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और अभी सुबह का काम पूरा मैंने कम्प्लीटली कर ली हूँ। और ये मेरा रसोई रूम जो चमक रहा है, आज पहला दिन है रसोई रूम का। और अभी पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। और ये दूध रख देते हैं, इसके बाद आपको आगे का दिखाते हैं घर। और ये है पूजा रूम, जो कि मैंने पूजा वगैरह सभी कर चुकी हूँ, ये देखिए। और पूजा वगैरह हो गई है, सब कुछ मेरा हो गया है। तो बस अब चाय गर्मा गर्म हम सभी पियेंगे, मैं और हस्बैंड जी सिर्फ। तो सब चीज़ तो दिखा दिया है, और बस मैं अपना लुक दिखा देती हूँ। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है शिवरात्रि, और शिवरात्रि के ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। और मेरी पूजा वगैरह सभी हो गई है, और आज मैंने ये साड़ी हरी वाली पहन ली हूँ। कभी कभी पहनती हूँ जब त्यौहार होता है, ये सोमवारी के दिन, खास करके सावन के दिन ये साड़ी मैं पहनती हूँ, क्योंकि ये बहुत डार्क हरा है तो डेली में यूज़ नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा कैसा लगता है मुझे, तो इसलिए ये जब भी पर्व त्यौहार होता है ना तो ये पहनती हूँ। और ये तीज का है जो हस्बैंड जी लिए हुए थे मेरे लिए, तो ये कभी कभी पहनती हूँ। अभी हम भी आ रहे हैं देखने, घबराइए मत। और यहाँ पर एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है, और एक तरफ मैंने चाय बना रहे हैं। अभी देखिए सब चीज़ डाल दिया है, चलाने आ गए हैं हस्बैंड जी, तो वो छानेंगे चाय आज समझिए कि वही बना रहे हैं। और मैं लग गई हूँ थोड़ा, हम मैं और हस्बैंड जी तो चाय पियेंगे, लेकिन बड़ा वाला बच्चा को ये अंकुरित चने दे देते हैं, और छोटा वाला बच्चा को तो नाश्ता वगैरह देव का भेजा ही देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा लेट से थोड़ा खाता है। तो अभी टाइम हो रहा होगा कितना भी, तो 9 बज रहा होगा, और छोटा वाला बच्चा चल जाता है 8 बजे ही, और 9 बजे इसको भी दे देते हैं नाश्ता इस चीज़ का। उसको चाय वगैरह नहीं देंगे, सुबह सुबह नहीं देती हूँ, मन करता है कभी कभार देती हूँ मांगता है तो, वैसे नहीं देती हूँ। यही सारी चीज़ें फल वगैरह सुबह सुबह खाली पेट अच्छा रहेगा। और यहाँ पर सुबह सुबह मैं पानी नहीं पी थी, तो अभी मैं पी रही हूँ और फिर चाय पीऊँगी। सूर्य भगवान पूरा तेज़ी में है, और पर्दा को मैंने लगा दिया है इस वक्त, क्योंकि थोड़ा दिखता नहीं है कैमरे में साफ साफ सूर्य की रोशनी की वजह से। बालों में इतना तेल लगा लियो ना कि बाल चिपक गए हैं इसका। मेरा और ये देखिए, कभी ये टी शर्ट, कभी मतलब एक से एक पहन के बाहर दिखाने जा रहे हैं। बताइए, आज के दिन नया नया टी शर्ट पहन के बाहर दिखाने जा रहे हैं। आज भोले बाबा का दिन है, इसीलिए काची रूप में आते हैं, भोला के कई रूप में आते हैं ना, इसलिए हम भी कई रूप में आते हैं आज के दिन। भोला बाबा का हर रूप होता है ना, कई रूप में भोला बाबा का कई रूप है ना, वैसा ही हमारा भी आज कई रूप रहेगा, कई रूप का दिन है ना।
ऐसे कई रूप ला रहे ना, कभी टी शर्ट, कभी शर्ट, कभी कुछ गंजी। तो फ्रेंड आज है शिवरात्रि, पर मैंने की नहीं है, सिर्फ पूजा वगैरह किया था बस। बहुत पहले मतलब पहले करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ, छूट गया है, सो छूट गया है, अभी इधर नहीं कर रही हूँ शिवरात्रि। और बस सुबह उठी, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं छोड़ी, भोले बाबा को पूजा कर ली हूँ, पर आज फास्ट नहीं रखी हूँ। और भूल गई, और मेरा यहाँ पर चावल चढ़ा हुआ है, और दाल मेरा बन गया है, और उधर रोटी बना हुआ है अभी, और नाश्ते में रोटी थोड़ा सा बनाई थी, और बस। और ये जो है ना वॉलपेपर के बारे में बोल रही थी, और वॉलपेपर वैसे तो ठीक है, आसानी रहता है, तेलहन चीज़ सब तेलहन जो चीज़ होता है आसानी से पोछा जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है, और ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये इसका ये जो नीचे वाला है वॉलपेपर ना, उसको और मंगाना होगा। और ये देखिए मुझसे कितना गलती हो गई है, देखिए ये देखिए, मतलब वॉलपेपर को ना थोड़ा सा ख़राब मुझसे हो गया था। दाल में छौंक लगा दिया है, और दाल को छौंक मैंने घी से लगा दिया है, क्योंकि अभी तेल ख़त्म हो गए थे, देखा कि तेल है ही नहीं, तो सोचा कि पहले दाल छौंक देते हैं घी से ही, अच्छा भी लगेगा घी से। खाना मैंने बना लिया है, और बच गया है मुझे पापड़ छानना, तो अभी तेल भी खत्म हो गए, तो तेल लाने गए हैं हस्बैंड जी, तेल लेकर आएंगे, तो पापड़ गर्मा गर्म छानेंगे, और इसके बाद सभी को खिलाएंगे, तो यही सब करना है, तो चलिए खिलाते हैं पहले। तेल बढ़िया है, खराब तेल है, तेल झजक रहा है ना, कहते हैं जगह ले। पापड़ छानने के बाद सीधे अब खाने की तैयारी लग जाएगी, और मैं थाली में लेकर आ गई हूँ, और अभी सभी को मैं दूंगी। देखिए धूप के कारण यहाँ पर पूरा साफ क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए मैं पर्दे को लगा देती हूँ। तो हमारा तैयार है, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए यहाँ पर चावल, पापड़, दाल और टमाटर की चटनी। हमारा है भोजन, और यहाँ पर चिढ़ा रहे हैं बच्चों को कि ये मेरा भोजन है, तो ही हंस रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो चलिए, हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो वॉलपेपर का मैं एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं लगाई हूँ वॉलपेपर, तो आप लोग को भी जानकारी दे दूँ इसके बारे में, क्या है, अच्छा है, ख़राब है, तो बस मैं यही कहूँगी। वैसे तो अच्छा से और लगता तो शायद ठीक रहता, चिपकता ज़्यादा, और इसका गोंद गोंद ठीक है, चिपक जाता है अच्छे से,
लेकिन इसमें एक चीज मैंने देखा है, गर्म चीजों से हमें बचाना है वॉलपेपर को, नहीं तो वॉलपेपर खराब हो जाता है, चिंगुर सा जाता है। मैंने देख ट्राई किया था गरम गरम रख कर, तो चिंगुर गए थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि इसे गर्म चीजों से, ज्यादा गर्म चीजों से बचाव करना है। ज्यादा थोड़ा बहुत अगर रहे तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा गर्म अगर रख दिया जाए ना तो खराब हो जाता है। बाकी सब ठीक है, अगर हिफाजत से रखे, अच्छा से केयर करके, ध्यान देकर अगर, तो चलेगा कुछ दिन। अब वैसे भी चले या ना चले, फिर ये इसको जिंदगी भर थोड़ी ना रखना है, फिर खराब हो जाएगा तो फिर लगाएंगे। 150 का सामान है, तो इसको अगर 2-4 महीना भी, 6 महीना चल गया तो बहुत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। अभी कपड़ा मेरा सूख रहा है बाहर, अभी शाम होने को आया है, तो जा रहे हैं, पहले कपड़ा लाएंगे और अच्छे से रखेंगे, और आज आयरन नहीं करेंगे, कल करेंगे। अब इस टाइम शाम होने को चला है, तो सब झाड़ू वगैरह देना है। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।